फोनी महातूफान का असर बंगाल से सटने वाले झारखंड के इलाके और उड़ीसा से सटने वाले झारखंड के इलाकों में भी देखा जाएगा। एहतियातन हाई अलर्ट पे है ये राज्य, पहले से ही स्कूलें बंद कर दी गई है, एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसका और कितना असर हो सकता है, किस तरह का असर देखने को मिल सकता है, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है झारखंड आईएमडी के डायरेक्टर, इनसे हम सीधे बात करते हैं। एसडी पटेल साहब, आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि यहाँ हमारा जो झारखंड के वो डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल से सटे हुए, क्या उस पर ही ज्यादा असर दिखेगा, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, क्या है पूरा जो प्रोसेस है, मूवमेंट जो है फोनी का वो किस तरह से है? ये फोनी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लिक स्टॉर्म है। ये आज सुबह 8 से 10 बजे के अंदर उड़ीसा का पूरी का नज़दीक क्रॉस हो चुका है। उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ मूव हो रहा है, जो बंगाल के साउथ पार्ट जो बंगाल का इसके तरफ जा रहा है। तो आज शाम से, आज इवनिंग से कल इवनिंग तक जो टाइम है, 26 घंटा जो टाइम है, 24 आवर्स, इसी के टाइम में झारखंड का जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकाले का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सरायकाले खरसवां जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हेवी रेनफॉल, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर में इसका गति होगा, विंड स्पीड का। और उसके साथ साथ जब और भी नॉर्थ ईस्ट में मूव हो जाएगा, तो झारखंड का जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो पाकुड़, देवघर, उसके बाद जो है धनबाद, दुमका, जामतारा भी, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट से हेवी रेनफॉल, उसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग विंड है 30 to 40 किलोमीटर प्रति घंटा में, उसका असर दिखाई देगा। और बाकी हिस्सों में जो है मोस्टली क्लाउडी कंडीशन रहेगा, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगा, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड भी रहेगा। और सबसे जो कम असर पड़ेगा वो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है, जो गारवा डेल्टा जोन बेल में, सबसे कम असर पड़ेगा, बट क्लाउडीनेस तो रहेगा। सर, ये क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? ऐसे तो प्रशासन ने एहतियातन स्कूल बंद कर दिया है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जैसे चेतावनी एक जारी की जाती है, घरों से निकलना चाहिए, किस तरह से यहाँ पे लोगों को कैसे एक्ट करना चाहिए? जो हम लोग वार्निंग पीरियड दिया है, उस टाइम में जो हम सजेशन यही है, उस टाइम घर में रहे, ठीक है, ज़्यादा बाहर में ना जाए। और जिसको इसका जो कच्चा मकान है, जो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से डैमेज हो सकता है, उसको नियरेस्ट जो स्कूल और कॉलेज का जो पक्का बिल्डिंग है, उसमें थोड़ा सा शेल्टर ले सकते हैं। और उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इसके टाइम जो पानी वगैरह, जो पीने का पानी वगैरह स्टॉक करके रखे, जो इमरजेंसी पर्पज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का हेम्पर हो सकता है, जो हम लोग वार्निंग दिया है 24 घंटे के लिए, आज इवनिंग से कल इवनिंग तक। और बाहर में ना घूमें, टू व्हीलर वगैरह जो है इसमें लेके बाहर ना घूमें इस टाइम, और इमरजेंसी जो खाना पीना सब तो स्टॉक रखें। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये एसडी पटेल साहब हैं, डायरेक्टर यहाँ झारखंड में जो आईएमडी का चैप्टर है उसके। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ ऑलरेडी जो है बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो है मॉडरेट रेनफॉल का फोरकास्ट किया गया है। ये इलाका जो है वीआईपी इलाका है, एयरपोर्ट का इलाका है, एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ सरकार ने एहतियातन स्कूलों को जो है आज और कल 2 दिन के लिए कम्प्लीटली बंद रखा है। एयरपोर्ट को जो है वहाँ अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा जो ट्रेनें खास तौर से जमशेदपुर और चाईबासा के तरफ से, यानी ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम की तरफ से बनती चलती है, कई ट्रेनों के रूट चेंज किए गए हैं। और ये देख सकते हैं कि एयरपोर्ट का जो इलाका है, देखिए हवा चल रहा है यहाँ पे, मॉडरेट रेन जो है वो शुरू हो चुका है। और ये जो है यहाँ पे चेतावनी भी जारी की गई है मौसम विभाग के तरफ से। हम आपको बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि अगर आपको कोई ऐसा कोई इमरजेंसी का काम नहीं है कि आपको बाहर जाना जो है वो अवॉइड नहीं किया सकता है, तभी आप बाहर निकलें। अदरवाइज जो पीरियड, जो चेतावनी का पीरियड है, 24 घंटे का जो समय दिया गया है, सुबह आज शाम से लेकर कल शाम तक का, उस वक्त ये एडवाइजेबल है कि आप बाहर नहीं जाएं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप स्टॉक करके घर में रखें। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।